अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आईसीटी ट्रेडिंग लिक्विडिटी स्ट्रेटजी। आज गोल्ड का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, और आपको डेली के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग ताकि आप लोग समझ सकें कि लिक्विडिटी और PDRs का मिक्सचर जो है वो किस तरह काम करता है। सबसे पहले ये डेली का चार्ट है और गोल्ड है पेयर हमारे पास, और मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट शो करवाना चाहता हूँ। एज़ यू कैन नो एंड सी कि यहाँ पे मेरे पास गोल्ड और सिल्वर सिर्फ दो पेयर्स हैं। आई डोंट हैव टू यूज़ मल्टीपल पेयर्स, बिकॉज अगर आप द मास्टर ऑफ नन इज़ द जैक ऑफ ऑल, ये किसी महापुरुष की एग्जांपल है। अगर आप एक चीज़ के मास्टर नहीं है तो फिर आप हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा करते हैं, और वो जो थोड़ा थोड़ा जो आप हर चीज़ को टच देते हैं वो आपकी एक्सपर्टीज़ ना होने की इंडिकेशन होती है। अगर आपको याद हो तो पिछली लाइव स्ट्रीम या वीडियो के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन करी थी चीज़, जब मार्केट इस जगह पे थी 12th February को, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो के दरमियान एक ही ग्रीन कैंडल है। और ये चीज़ सिर्फ इस वीडियो के लिए अप्लीकेबल नहीं है, बल्कि हर सिंगल वीडियो, हर सिंगल PDRA इसी तरह BC की और इन्वर्जन की बनती है। तो ये जो मिडल वाली कैंडल है, इसके दरमियान ये ग्रीन कलर की थी ना, तो इन दोनों के दरमियान, तो ये जो है ये BC होता है, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी, जिसको आप ओल्ड स्कूल वर्जन में फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो इस कैंडल की बॉडी जब नीचे क्लोज कर गई इस फेयर वैल्यू गैप की, नेक्स्ट चीज़ मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपको जो चीज़ डिसाइड करनी होती है, आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, वो ये होती है कि आपको पता हो कि हर लो के नीचे कौन सी लिक्विडिटी होती है, जो कि आपको क्लियरली पता है कि सेल साइड लिक्विडिटी होती है। शायद आप में से कोई आज पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहा हो और मेरे YouTube चैनल पे भी फर्स्ट टाइम आया हो, और उसे ICT कॉन्सेप्ट का कुछ भी ना पता हो, उसके लिए ये बड़ी नई बात होगी कि यार इसके नीचे सेल साइड क्यों है, इस लो के नीचे सेल साइड क्यों है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एवरी सिंगल लो, हर लो उसके नीचे लिक्विडिटी जो होती है वो सेल साइड होती है। आई बिलीव कि इसके बाद आपकी ये कन्फ्यूजन अल्लाह के फजल से दूर हो जाए। हर लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होती है, और हर हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होती है। इसके नीचे सेल साइड है और इसके ऊपर बाय साइड है। अब मार्केट ने जब बॉडी कैंडल के नीचे क्लोज कर दी, तो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो या उससे वेरी नेक्स्ट, ये कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट देखो परफेक्टली CPI में आई, और उसने परफेक्टली इसके ऊपर ओवरलैप किया और इसको एज ए इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ट्रीट किया और रिजेक्ट किया इसको टू गो बिलो दैट सेल साइड लिक्विडिटी। पॉइंट ये है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग ड्रॉप डाउन किए हैं। यार देखो, कैंडल की बॉडी हल्की सी बाहर गई है, लेकिन ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 1H का। देखो 1H पे आई बिलीव वो स्टिल अंदर होगी। देखो उसकी कैंडल की बॉडी 1H पे बाहर नहीं गई, 4H पे देखो, 4H पे भी बाहर नहीं गई, बॉडी स्टे अंदर कर रही हैं, विक्स डैमेज करती हैं। इसीलिए मेरे और आपके टीचर ICT सर बोलते हैं, विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल्स द स्टोरी। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि बॉडीज़ जो है ना वो आपको नैरेटिव बताती हैं, विक्स सिर्फ डैमेज करने के लिए होती हैं। इन्वर्जन के अंदर मार्केट ने परफेक्टली 1H पे भी, देख लो आप, अगर डेली का इन्वर्जन है ना तो आप उसकी क्लोजिंग 1H पे भी चेक कर सकते हैं। देखो इसके नीचे लो क्लोज किया, अब ये मल्टीपल लोज थे यार, लाइक लुक एट 4H, 1, 2, 3, ये मल्टीपल लोज थे। जब भी इस तरह का कोई सिनेरियो होगा, गो बैक इनटू योर चार्ट्स, अपने अपने चार्ट्स में जाइए, सिर्फ मुझ पे रिलाई मत कीजिए, एंड देन यू विल आइडेंटिफाई कि आपको पता चलेगा क्लियर कट कि यार जब भी मार्केट में मल्टीपल लोज आते हैं या मल्टीपल हाइस, जब तक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं होती मार्केट कभी भी उन लोज या हाइस को नहीं लेती। इन्वर्जन से क्लियरली सेल ऑफ हुई। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या लोअर टाइम फ्रेम पे ड्रॉप डाउन करके कोशिश करता हूँ जल्दी से आपको वो स्ट्रेटेजी की तरफ लेके जाऊँ। सो लेट्स गेट बैक टू इट, हमें वापस जाना है उस पे CPI वाले दिन पे, जो कि परसों था, कल नहीं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ मेंशन किया था कि ये पार्ट जो है ना, ये स्टे ओपन रहना चाहिए, ये वाला ब्रेकवे गैप।
ये ब्रेकअवे गैप क्यों है, किस तरह होता है, मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस में लाखों बार थाउजेंड्स टाइम्स एटलीस्ट एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब मार्केट स्पेसिफिकली इसी जगह से क्यों रिएक्शन इसने दिया था हमें, तो ये बात आपकी समझने वाली है। मैंने समझाया था और पढ़ाया था कि हर कैंडल की या किसी भी विक का 50% जो होता है ना वो होता है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। तो इस सिनेरियो में आप लोग खुद ही देख लें कि ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, जिसको मैंने अब हाईलाइट कर दिया। किसी भी विक का 50% जो होता है उसे आप सी डॉट ई या कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं। कंप्लीट इसकी एनोनेशन जो है वो ये इस तरह होगी, सी डॉट ई कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। अब यहाँ पे सारी गेम स्टार्ट होगी। आई विल एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, अगर आप बेरिश हो, ये आपको पहला क्लू मिल गया कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही, विक्स हल्की फुल्की ऊपर पास कर रही हैं। ये चीज़ नोटिस करना ज़रा, देखो विक्स ऊपर जा रही हैं, बॉडीज़ नीचे क्लोज कर रही हैं, ये पहली इंडिकेशन। फिर अगर आप बेरिश हो तो हर ग्रीन कैंडल को एक्ट करना चाहिए लाइक अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब गौर करना, क्या ये परफेक्ट नहीं है आपके लिए? अभी जो मैंने ये रेड लाइन ड्रा की है, ये एग्जैक्टली उस ऑर्डर ब्लॉक का ओपन है। गो इन टू योर चार्ट एंड लुक एट दिस, ये forex.com का ब्रोकर है, आप देख सकते हैं अपने अपने चार्ट में, और भी नेगेटिव। ठीक है, ये परफेक्टली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई और इसने इसको रिजेक्ट किया, और ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये ब्रेकअवे गैप की तरह ट्रीट करना चाहिए था हमें। ये ब्रेकअवे गैप्स क्या इंडिकेशन देते हैं सर हमें, तो आपके नोट्स के लिए बात इंपॉर्टेंट है। ब्रेकअवे गैप्स मेरे दोस्तों भाइयों आपको जो इंडिकेशन देते हैं वो सिंपली इस चीज़ की देते हैं कि सर मार्केट इज बेरिश, और वो जिस साइड पे भी जा रही है, ब्रेकअवे गैप्स अगर फॉर्म हो रहे हैं तो इट मीन्स कि वो तेजी में, मार्केट इज इन अ हरी टू मूव टू एनी लिक्विडिटी जहाँ पे ये जाना चाह रही है, या फिर किसी फेयर वैल्यू गैप में। अच्छा भाई, अगर मार्केट ऊपर जा रही है ना तो या तो ये किसी बाय साइड लिक्विडिटी को लेती है या फिर किसी फेयर वैल्यू गैप सीबी में जाती है और फिर वहाँ से रिजेक्ट होकर जाती है डाउन। देखो सीबी के अंदर विक गई है, क्या ये परमिसिबल था? डेफिनेटली, लेकिन बॉडीज कहाँ स्टे कर रही थी? डाउन, रिजेक्ट दैट, ब्रोक लोअर। फिर वंस अगेन ये फिर एक ब्रेकअवे गैप था। जब भी आपके पास ब्रेकअवे गैप फॉर्म होंगे ना यार, ये आपके लिए पहली इंडिकेशन होगी। ब्रेकअवे गैप्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं यार? तीन तरह के ब्रेकअवे गैप्स होते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रेकअवे गैप्स। इसमें मैंने मिडल लाइन का एडिशन किया है, आप भी कर सकते हैं अपने रेक्टेंगल के अंदर। ये मिडल लाइन है, ये जो इसका 50% है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, या ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप जिसको आप सिंपली सीपी बोल रहे थे, अब ये सीबी मेरे दोस्तों आपका ब्रेक अवे गैप है। वी आर ब्रेक अवे गैप, क्यों? ब्रेक अवे गैप्स की पहली इंडिकेशन ये है आपके पास के तीन तरह के होते हैं, इनमें से दो आज बता देता हूँ। एक वो होते हैं जो कम्प्लीटली अनफिल्ड होते हैं लाइक दिस, एक वो होते हैं जिसमें मार्केट जाती ज़रूर है लेकिन उनके 50% से नीचे नीचे उनकी विक्स और बॉडीज रहती हैं। इन दिस सिनेरियो तो मैं यहाँ पे क्लियरली आपके सामने मेंशन भी कर देता हूँ भाइयों के और बहनों के सामने, इन दिस सिनेरियो इट फील्ड लेस देन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब यहाँ पे क्वाड्रेंट वाली बात अगर आप लोग समझ लोगे तो आपके लिए बहुत पोटेंशियली पावरफुल होगी। अब इसके लिए मुझे फिबनाची का यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने फिब रिट्रेसमेंट लिया है यहाँ से, फिब रिट्रेसमेंट, और इस फर्स्ट कैंडल की लो और थर्ड के हाई पे जाके रख दिए, और मैंने यहाँ पे अब क्वाड्रेंट ये देखो ऐड कर रहा हूँ। लुक एट दिस, मैंने 0.25 और 0.75 ये क्वाड्रेंट्स ऐड किए, और पीछे से अब मुझे इसका कलर थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि आपको कंट्रास्ट के तौर पर वो नज़र आ जाए। ये देखो बस मिड लोअर क्वाड्रेंट और ज़ीरो, देखो ये अपर यानी लोअर क्वाड्रेंट तक भी नहीं गई, और ये मैंने यही चीज़ इसको क्लियरली यहाँ पे मेंशन की है, ब्रेकअवे गैप था। फिर वंस अगेन दिस वाज आल्सो ब्रेकअवे गैप, और नीचे कोई ना कोई लिक्विडिटी पड़ी हुई थी जिसको मार्केट ने परफेक्टली यूटिलाइज किया। बैक टू द पॉइंट, अब जाते हैं कल की प्राइस एक्शन पे और ढूंढते हैं कि कल क्या मार्केट ने किया था और किस तरह मार्केट ने परफेक्टली
इसी एल्गोरिदम को रिपीट करती है एवरी सिंगल मंथ, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल ईयर, एवरी सिंगल वीक। अच्छा जी, एक्सपेंशन आई। एक्सपेंशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? कंसोलिडेशन। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोटिस इज दिस कि कंसोलिडेशन नेसेसरी है। कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद अगला फेज जो होता है वो या तो रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट, या फिर रिवर्सल। तो ये जो पार्ट है ना, ये एक ट्रेडर के लिए कंफ्यूजिंग होता है, न्यू ट्रेडर के लिए, कि क्या वो रिट्रेसमेंट होगी या रिवर्सल। अब ये चीज़ आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए एक्सपीरियंस, टाइम, और मेरे दोस्तों आपको कोई बताएंगे, कई लोग बताएंगे कि यार आपको नैरेटिव नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बायस चाहिए। आई थिंक दे आर बुलशिट, और उनको खुद नहीं पता कि मार्केट किस तरह काम करता है। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि नैरेटिव क्या है, तो बायस आई थिंक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नैरेटिव। और नैरेटिव ये है, नैरेटिव आपको ये बताता है कब, कैसे, कहाँ मार्केट किधर जाएगी। अभी कल की सिनेरियो में देखते हैं, हमने ये बेसिक रूल पढ़ा है ना, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इज़ द नेसेसरी, ये सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि एवरी सिंगल डे कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन से ही एवरी सिंगल डे का स्टार्ट होता है, और वो एशियन सेशन की शुरुआत में होता है। जैसे कि इस इंडिकेटर में आपको दिखाऊं तो ये जो हाईलाइटेड बॉक्स आज का है, और मैं अपनी हर चीज़ की बात UTC-5 पे करता हूँ अपने टीचर ICT सर के मुताबिक, क्योंकि ये न्यूयॉर्क का लोकल टाइम होता है। और अगर आप न्यूयॉर्क के लोकल टाइम को नहीं यूज़ करें, इट मीन्स व्हाट, कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और ही कर रहे हैं। एनीवेज, आप अपने टाइम को यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। और ये एशियन रेंज है, एशियन रेंज में कंसोलिडेशन होती है, हम कभी भी इसको ट्रेड नहीं करते हैं, एज़ यू गाइस कैन नो। फिर इसके बाद मार्केट एक्सपेंड करती है, या तो ये लंदन सेशन में लोस को लेती है एशियन को, या फिर हाईस को अटैक करती है। अब कल की केस में यहाँ पे इतनी बड़ी एक्सपेंशन के बाद हमें रिट्रेसमेंट नहीं चाहिए थी, हमें कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड थी। और देखो, इसने सारा दिन कंसोलिडेशन की। अब अगर आप इसको आज को भुला के सिर्फ इधर देखो, एशियन रेंज के बाद मार्केट ने लंदन में ये 2:00 पे ओपन किया, 2 से 5, ये 3 घंटे का लंदन की जोन होता है एवरी सिंगल डे। देयर आर 3 सेशंस, फर्स्ट एशियन, सेकंड लंदन, थर्ड इज न्यूयॉर्क सेशन। यहाँ पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप हाईलाइट कर रहा हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन योर चार्ट्स फॉर बिकमिंग वेरी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि मेरे टीचर कहते हैं कि ये एक बेल्ट वेयर चार्ट है। अच्छा भाई, मैं आज इस चीज़ को भी क्लियर कर दूँ कि हर फेयर वैल्यू गैप जिससे आप मार्केट को नीचे जाता देखना चाहते हैं, उसका कलर अगर आप रेड कर देंगे तो आपके लिए क्लियर क्लियर दिमाग में इंडिकेशन होगा, ताकि आपको बार बार कलर चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो। ये एक सीबी था, मार्केट परफेक्टली उससे रिजेक्ट हुई, इसने सेल साइड ली, एशियन लोस को स्वीप किया, और साथ ही साथ डेली प्रीवियस डेली लोस को भी स्वीप किया, और फिर मार्केट ने लंदन के क्लोज के पास जाके इसी हाई को रन अप कर दिया, और फिर कंसोलिडेशन की, और 8:30 के पास इसने एक जर्क अप दिया टू गो, इसने शो अप किया कि ये इक्वल हाईज को ले लेगा। अब इक्वल हाईज मल्टीपल थे, इसने यहाँ से फिर रिजेक्ट किया, इस सेल साइड को वंस अगेन गैदर किया, 1, 2, 3 दफ़ा, जब भी कहीं पे भी लिक्विडिटी 3 टाइम्स स्वीप हो। देखो, फर्स्ट टाइम मैं अब आपको क्लियरली इसको एनोटेट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, गौर करिएगा भाई। ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, और फिर देखिएगा, और मेरे दोस्तों ये थर्ड टाइम। जब भी 3 दफ़ा लोअर लो लग जाएं, 3 दफ़ा लिक्विडिटी मार्केट ले ले किसी एक स्पेसिफिक साइड की, तो आपने सेल करने से, जिस साइड की लिक्विडिटी वो बार बार ले ली, गुरेज करना, याद रखना। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आपने बाय कर लेना, बस ये बोल रहा हूँ सिंपली, आई वाना शो यू, आई वाना मेक यू बिलीव दिस, कि आपने बार बार लोअर लोज लगने पे सेल नहीं लेते कभी भी, बार बार लोअर हायर हाइज लगने पे भी कंटिन्यूसली बाय नहीं लेते। ये एक सिंपल थंब, जनरल थंब रूल है। अब इस पे मज़ीद डिटेल में हम लाइव स्ट्रीम या वीडियो बनाएंगे, जिस पे आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि वो क्या स्पेसिफिक रीज़न होती हैं या पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेस पे हम ये डिसीजन करते हैं कि हमें यहाँ से सेल क्यों नहीं करना, या हमें यहाँ से बाय क्यों नहीं करना, या बाय करना है तो क्यों करना है। मार्केट ने रन अप हायर किया और इस बाय साइड को रन किया। बैक टू द पॉइंट, अगर आप देखो तो आपको हायर टाइम फ्रेम की PDRS की इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है। अब मैंने यहाँ से ड्राइंग रिमूव कर दी और अब मैं डेली के टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि
आज मेरा क्या बायस है और क्या नैरेटिव। अगर आज आपको आइडिया है कि आज रिटेल सेल मॉम्स एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि 8:30 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। सो मेरे पास ऑब्वियस ड्राउन लिक्विडिटी जो है, ड्राउन लिक्विडिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपको नहीं पता तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, और ये सीखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है। मुझे नहीं पता कि किससे आपने आज तक सीखा है या नहीं सीखा, और अगर आज से पहले आप इंडिकेटर्स के फ़ैन थे तो आज से इंशाल्लाह आपको ये भूल जाना चाहिए कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, हॉरिजॉन्टल रे ली है और इसको यहाँ लगा दिया, और इसके नीचे सेल साइड है और ये मेरा ड्राउन लिक्विडिटी है। दैट इज़ माई ड्राउन लिक्विडिटी। इट डज़ नॉट मीन कि ये आपका भी होना चाहिए, बिकॉज एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस। तो आप किसी के ओपिनियन को या अपने ओपिनियन को किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो आई थिंक कि आप प्रॉब्लमेटिक होगा आपके और आपके फ्यूचर के लिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस कैंडल के हाई और उस कैंडल के लो, यानी कि इसके लो और इसके हाई के दरमियान जो फेयर वैल्यू गैप है, जो मैंने अभी रेड रेक्टेंगल से हाईलाइट किया है, इसको एक्ट करना चाहिए लाइक अ ब्रेक अवे गैप। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज ही आप अभी फ़ौरन से पहले एक सेल की पोजीशन ओपन कर दो और यहाँ से इसको शॉर्ट कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इसमें मार्केट अगर ट्रेड करे तो इसके 50% से नीचे नीचे वीक और बॉडी स्मेज रहे, और देन इसको रिजेक्ट करे और इस सेल साइड को गैदर करे, अटैक करे। क्योंकि कल एक कंसोलिडेशन टाइप या इनसाइड टाइप डे था, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और कल भी, तो इन 2 दिनों में हम इस सेल साइड लिक्विडिटी के को यूटिलाइज कर लेंगे या इसको अटैक कर देंगे। और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, इसके नीचे सेल स्टॉप्स होते हैं, उन लोगों के अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स की ऑर्डर्स पड़े होते हैं, मनी पड़ी होती है, जिनको नहीं पता कि मार्केट का एल्गोरिदम किस तरह काम करता है। वो बेचारे यूजलेस होप्स और प्रेयर्स की बेस पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दीज थिंग्स, सो दे आर जस्ट सिंपली अज्यूमिंग एवरी सिंगल थिंग, और वो जो अजम्पशन है वो उनकी गलत होती है। और हम स्मार्ट मनी उनको काउंटर पार्टी बनाती है, अपने बाय के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री 1+1 का सम है ना, कि अगर आप बायर हो तो ऑपोजिट एंड पे कोई ना कोई सेलर लाजमी होगा, और अगर आप सेलर हैं तो ऑपोजिट एंड पे कोई ना कोई बायर लाजमी होगा। सो आपको बिल्कुल क्यूरियस रहना है और बिल्कुल एहतियात करनी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि सिर्फ आप ही इनकर कर सकते हैं, ना कि आपके दादा अबू, ना आपके पापा, ना आपके चाचू, ना आपकी मामा, ना आपकी खाला, ना आपकी गर्लफ्रेंड। क्योंकि बेटा अगर आपका लॉस होगा तो वो आपका लॉस है, आप अकेले उसको इनकर करोगे, अकेले आपने ही बटन प्रेस किया था, किसी और के कहने पे बटन प्रेस किया करो। बैक टू द पॉइंट, आज का मेरा ग्राउंड लिक्विडिटी यही है कि मैं बीरिश हूँ। यस, मार्केट कैन ग्रेविटेट अप टू दिस फेयर वैल्यू गैप अ लिटल बिट, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर ये ग्रेविटेट अप करे उसके लिए मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा, क्योंकि मार्केट ने कैंडल की बॉडी इस ग्रीन कैंडल या इस ब्लैक कैंडल के ऊपर क्लोज किया, तो आई वाना सी क्या मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि वो इस ब्लैक कैंडल को जो एक्ट कर सकती है लाइक अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, इसके मीन थ्रेश होल्ड यानी इसके 50% से नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज कर दे। अगर इसने ऐसा कर दिया देन वी कैन एक्ट एंटिसिपेट और थिंक लाइक दिस कि ये हम बेरिश हैं। यानी कि बताना ये चाहता हूँ कि इस कैंडल के ऊपर क्वाड्रेंट्स को अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन मकसद सिर्फ फिबनाची पे 50% को नोटिस करना है। सो आई एम थिंकिंग लाइक दिस कि अगर हम इस 50% से नीचे हमें बॉडी की क्लोजिंग मिल जाए तो इट मीन्स वट कि हम अग्रेसिवली सेल ऑफ हो जाएंगे इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, और मैं टाइम और प्राइस को फॉलो करता हूँ, और मैं एक स्कैल्पर हूँ, और मैंने इस चीज़ को काफ़ी दफ़ा मैंशन किया हुआ। आई एम नॉट अ इंट्राडे ट्रेडर, आई एम नॉट अ फैन ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अगर आप में से कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता है तो ये उसके लिए इन्विटेशन कतई तौर पर नहीं है कि वो भाई अपना सब करता धरता छोड़ के सिर्फ मेरी बात पे अमल करे, और वो मतलब अगर 100 पिप्स लेता है या 200 पिप्स लेता है और वो ट्रेड को 3-4 दिन होल्ड करता है तो वो इसको छोड़ दें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपकी अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक का 50% जो होता है उसका मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से शुरू से लेके एंड तक देखा है तो आपने कम अज़ कम एट लीस्ट कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी सीख लिया होगा जो आपके लिए वैल्यूएबल है। और अगर आपने नहीं देखा और आप उन लोगों में से शुमार हैं जिन्होंने इसको छोड़ दिया है मिडल से देखना, कहीं से भी छोड़ दिया है, तो आई डोंट नो, शायद फिर वो कन्फ्यूज होंगे। ये मीन थ्रेशहोल्ड है। सो आज के लिए आपकी तवज्जो कहाँ होनी चाहिए, इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% से नीचे हमें 4 आवर की कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो प्रोबेबिलिटीज आर कि हम इस सेल साइड को अलॉन्ग विद दैट सेल साइड 1974 1975 अटैक कर देंगे, ये जो 73 पे जो सेल साइड है ना।
सो इस तरह मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, लेट्स ड्रॉप डाउन टू 1 आवर। देखो परफेक्टली इस मीन थ्रेश होल्ड के नीचे एक स्विंग लो है, मार्केट इजीली इसको अटैक कर सकती है क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। मुझे नहीं लगता कि आई एम नॉट थिंकिंग लाइक दिस कि ये फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्टेड होगा। आई एम थिंकिंग लाइक दिस कि ये इस सेल साइड को अटैक करेगा और फिर उसके बाद कोई और बात होगी, क्योंकि ये रिलेटिव इक्वल हाइज हैं, ये और ये बड़े क्लीन लग रहे हैं मुझे। कौन से? आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ सेकेंड। ये वाले बोथ ऑफ दीज आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस टू मी, एटलीस्ट मुझे तो ये स्मूथ लग रहे हैं। अब आपका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप किस तरह से, क्या परवरिश है आपकी ट्रेडिंग में, और आप शायद इक्वल हाइज के पास से सेल करने वाले बंदे हों या बंदी हों। तो मैं आपको सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करवाना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इन PDRs को, इन चीज़ों को जिस तरह ICT सर ने, माइकल सर ने बताई हैं, अगर आप समझेंगे तो आपका व्यू पॉइंट टोटली चेंज हो जाएगा मार्केट को देखने का। और इससे ज़्यादा मेरे पास क्लैरिफिकेशन नहीं है। और मैं आप भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल की लाइव स्ट्रीम्स में जाके अगर आप लोग सुकून से बैठ के देखेंगे तो आपको इतना डिटेल नॉलेज मिलेगा। और ये मेरा वादा है कि इस तरह का नॉलेज आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। बाय साइड लिक्विडिटी है, मार्केट इजीली इस सेल साइड को गैदर करने के बाद, अटैक करने के बाद इस बाय साइड पर रन कर सकती है। 1, 2, 3, 4, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये चारों ब्लैक कैंडल्स, आपकी केस में या आपके सिनेरियो में शायद ये रेड कैंडल्स हों, तो ये कोई छुम्बे की बात नहीं है। ये मैंने अपनी पर्सनल चॉइस के लिए ब्लैक कलर किया कैंडल्स का। तो ये चारों कैंडल्स मिलके एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना रही है। ऐसा किसी हदीस में नहीं आया कि ये एक कैंडल जो है यही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होती है या एक लास्ट वाली डाउन क्लोज। हमेशा याद रखना, अगर आप बुलिश हो तो हर ब्लैक कैंडल को एक्ट करना चाहिए, चाहे वो सीरीज हैं तो वो सब मिलकर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा। अब मार्केट इसमें आ सकती है, इस सेल साइड को लेके इसके अपर एंड पे लगे, फिर रन हायर भी कर सकती है। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, और अगर सीखा है तो थैंक यू वेरी मच। और एक थम्स अप कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइव स्ट्रीम का सेक्शन मस्ट रिकमेंडेड है भाई की तरफ से। और भाइयों अब यार इस वीडियो पे अगर 60 लाइक्स आए तो फिर हम लोग एक गिव अवे लाजमी करेंगे, और अगर इसको 2K व्यू प्लस आए तो फिर एक फंडेड अकाउंट का 100K का गिव अवे होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो है लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।